भगवान विष्णु, आपने जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मेरु पर्वत को डूबने से बचाने के लिए कूर्म अवतार धारण करके अपने पृष्ठ भाग पर उसे स्थित कर लिया था, उसी प्रकार अधर्म से मुक्त हुई लंका को भी डूबने से बचा लीजिए प्रभु। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। देवी सीता, लंका डूब रही है, हम सभी गंभीर समस्या में हैं, किंतु आपके मुख पर इस मित हास्य। पुत्र हनुमान ने लंका को बचाने का उपाय ढूंढ लिया है। सुनो, हनुमान के द्वारा गाई जा रही है स्तुति। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की गुहार अवश्य सुनते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कुर्मा अवतार प्रभु नारायण की जय। कुर्मा अवतार श्री नारायण की जय। महाबली हनुमान की जय। हनुमान, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अवश्य प्रभु। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है, कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। हनुमान मेरा पुत्र, इसका ये महाविशाल रूप संसार सदैव स्मरण रखेगा, मेरे पुत्र का ये महावीर विक्रम बजरंगी रूप। हनुमत विस्तारित आकारा, एक एक कर सब लोक की पारा, भूसे लोक भुवर तक जाई, सूर्य चंद्र सब हूँ हर साई। स्वर्ग कपी गए तत्पश्चाता, देव समूह आशीष बरसाता, मेहर लोक मिले सप्त ऋषि गण, जन लोका गंधर्व दिदर्शन। तप लोका हनुमत किए पारा, दिव्यात्मा श्वेत जाधारा,
सतलोक कभी तब आए, ब्रह्मा देव से आशीष पाए। एक तो कश्यप रूप जो महाविक्रम बजरंगी का भार संभाले हुए हैं, द्वितीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अधर्म के नाश के लिए हनुमान की पूंछ पर आरूढ़ होकर बढ़े जा रहे हैं, नारायण का वामन अवतार वाला त्रिविक्रम रूप जिसके दर्शन मैं हनुमान के इस विराट रूप में कर रहा हूं, आप सत्य कह रहे हैं देवेश्वर, किंतु हनुमान का यह महाविकराल त्रिविक्रम रूप देखकर भी शतानंद के नेत्रों पर अहंकार का ये आवरण पड़ा रहेगा, वो कदापि नहीं समझेगा। वरदानी शक्तियां भले ही है इस वानर के पास, अपने माया के बल पर ये सबको शतानंद के पास नहीं अपनी मृत्यु के पास ला रहा है, मृत्यु के पास। पृथ्वी पर तो अब इतना स्थान भी शेष नहीं रह गया है कि मैं दोनों पांव रख सकूं, अब ये दूसरा पांव कहीं और टिकाना होगा। ये अट्टहास की ध्वनि, ये उल्कापिंड, ये तो भुवर लोक में होते हैं, ये उल्कापिंड यहां कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये उल्का पिंड नहीं शतानंद के शीश है। पूर्व काल में जब मैं यहां आया था तब ऐसा नहीं था, बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है, कदाचित अब युद्ध की संभावना को देखते हुए शतानंद ने सुरक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ कर दी है। प्रभु शतानंद का अट्टहास है ये, प्रभु हम शतानंद के लोक तक पहुंच गए हैं, अब हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधान हो जाओ वानर वीरों, किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए सतर्क और सजग रहना होगा। उनका पिंडों की भांति दिखाई देने वाली शतानंद की शीश तो सहस्त्रों की संख्या में जुड़ रहे हैं। दानव शिल्पी मैं, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं, क्या हुआ? शतानंद, इस वानर का ये विशाल रूप और इसकी ये शक्ति देखकर आपको चिंता नहीं हो रही? इसका सामना तो, इसका सामना अभी दिखाता हूं मैं आपको कि शतानंद क्या है। अकस्मात ही इतनी तीव्र वायु, तीव्र वायु का प्रवेग आ रहा है। वानर वीरों सब सजग और सावधान रहो, इस वायु का सुदृढ़ता से सामना करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, देखो कोई गिरे नहीं। हनुमान हमारे वानर योद्धा गिर रहे हैं। ये तो वानर गिर रहे हैं, यदि मैंने शीघ्र कुछ नहीं किया
तो अनर्थ हो जाएगा। साथियों, भयभीत मत होना, क्योंकि भय के आगे ही विजय है। इस तीव्र वायु के समक्ष हनुमान बनेगा तुम्हारी ढाल। मैं अपना दूसरा पांव कहां टिकाऊं? नारायण नारायण, शतानंद इतनी तीर वायु सज्जित कर रहा है कि बड़े बड़े ग्रह तक उड़ जाए। हनुमान एक ही पांव से कैसे और कब तक संतुलित खड़े रह पाएंगे? ये चंद्रमा, किंतु चंद्रमा गुरुवर सूर्यदेव की भांति परम पवित्र है। इन पर इस प्रकार मेरे विशाल पांव को टिकाना अनुचित होगा। प्रणाम चंद्रदेव। हनुमान, संकोच मत कीजिए, मेरे चंद्र ग्रह पर अपने द्वितीय पांव को विश्राम के लिए टिका लीजिए। इस प्रकार इस धर्म युद्ध में मुझे भी सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उचित है प्रभु। शतानन भूख जो मारी, वायु वेग प्रचंड व भारी, एक पग शशिक पग भूधारो, हनुमत संतुलन को संभारो। चंद्रदेव सोची हर साई, धर्म युद्ध भागी बन पाई, बिगड़े काज कपीश सवारे, सब संकट हनुमान से हारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शतानंद, बहुत हो गई तुम्हारी ये क्रीड़ा। ये लो शतानंद, तुम्हारे इस अंधड़ के प्रहार को तुम पर ही लौटाता हूं मैं। ये क्या, ये तो किसी ग्रह की भांति दिखाई दे रहा है। तो ये है शतानंद का लोक, जहां से छुपा हुआ ये हम पर वार कर रहा था। शतानंद, अब तुम और नहीं छुप सकोगे। अब तुम्हारे ही लोक में प्रभु श्री राम के साथ उतरेगी हमारी ये वानर सेना। आइए प्रभु। हनुमान,
ये तो पुष्कर लोक प्रतीत हो रहा है। इतने सारे शीश, बड़ी ही विचित्र माया है। सावधान रहो सभी वानर वीरों, ये मायावी राक्षस कभी भी घातक आक्रमण कर सकता है। शतानंद, तुम्हारे इस पुष्कर लोक में प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित तुम्हारे विनाश के लिए आ गए हैं। स्वागत होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु से तुम्हारी मृत्यु खींच लाई है तुम सबको यहाँ। शतानन, इतने ही शूरवीर हो तुम तो छुप कर क्यों बैठे हो? प्रभु के सम्मुख आने का तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो? शतानन, भयभीत हो मेरे प्रभु से कि कहीं लंकेश की ही भांति तुम्हारा भी संहार ना हो जाए प्रभु के हाथों। भय भी शतानंद से भयभीत रहता है वानर, मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। शतानंद हूं मैं। आत्मा कांप उठेगी तुम सबकी जब मेरे क्रोध की ज्वाला भस्म कर देगी तुम सबको। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी, क्योंकि शतानंद जिससे स्नेह करे वो जिए और जिस पर क्रोध करे वो मरे। मरे वो शत्रु करे गुहार, शतानंद करे संहार। वनवासी मरकट, मैं तुम्हें अपने इस लोक से जीवित नहीं लौटने दूंगा। मेरी क्रोध अग्नि से तुम सबको मिटाकर मैं अपने अनुज रावण और उसके परिवार का प्रतिशोध लूंगा। भयंकर प्रतिशोध लेगा ये शतानंद, भयंकर प्रतिशोध। रुक जाइए भ्राता शतानंद। भ्राता? मुझे भ्राता श्री पुकारने वाला कौन है यहां? ओ, घर का भेदी लंका ढाए, जिसके कारण ये युक्ति संपूर्ण संसार में प्रचलित हुई, वो कुल घाती, वो कुल द्रोही, वो भी यहां उपस्थित है। मुझे किसी भी नाम से पुकारिए, कितना भी अपमान कीजिए मेरा, परंतु सत्य तो यही है कि लंका मैंने नहीं अधर्म और अहंकार ने ढाई है। परंतु अपनाम अवश्य इस अभागे भाई का हुआ। मैंने कभी भी भ्राता रावण का अनिष्ट नहीं चाहा।
ना ही आपका चाहता हूं। इसलिए सुनिए मेरी गुहार, अहंकार वर्ष अपने काल को आमंत्रित ना कीजिए। भ्राता हैं आप मेरे, हमने एक ही मां के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए आपको क्रोध और अहंकार की बलि चढ़ते नहीं देख सकता मैं। जो भूल भ्राता रावण के विनाश का कारण बनी, वही भूल आपको करते नहीं देख सकता मैं। अपने एक और भ्राता को अधर्म के पथ पर चलकर विनाश की ओर अग्रसर होने से रोकना चाहता हूं मैं। पग पग पर अपने भाई के वधिक का साथ देने वाले नीच कुलद्रोही कुलघाती, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। शत्रु हो तुम विभीषण, शत्रु, इसलिए सर्वप्रथम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जाओ मेरे मार्ग से हटकर अपने अंत की प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो अपने अंत की, जिससे तुम्हारा वध करने के पूर्व मेरे प्रतिरूप मेरे प्रतिशोध की तृष्णा मिटा सके। विभीषण, सर्वप्रथम मैं इस तुच्छ वनवासी और इन मूर्ख वानरों का वध करूंगा। जिन्हें तुम तुच्छ और मूर्ख कह रहे हो शतानन, वही तुम्हारा संहार करेंगे। प्रभु श्री राम की महिमा, ना तो अधर्मी रावण अपनी मृत्यु के पूर्व जान सका और ना ही मेरे समक्ष खड़ा मूर्ख पाखंडी शतानन रावण। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इन सबको। राक्षसो आओ, शतानन के प्रतिरूपों आओ, सतर्क हैं हम। अधर्म की सेना कितना भी भयंकर रूप लेकर क्यों ना आए, उसका सर्वनाश निश्चित है। अब शीघ्र ही इस मरकट सेना का अंत होगा। इन सभी का होगा संहार, पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। ये तो छलांग लगाकर हमारे मध्य ही आ गए। सावधान हो जाओ, सामना करो इन राक्षसों का। Ah!
इनके भीषण प्रहार तो हताहत कर रहे हैं प्रभु। रक्षा कीजिए, रोकिए इन राक्षसों को। शतानन के इन मायावी प्रतिरूपों को रोकना होगा मुझे। जय श्री राम। वनवासी, मेरे इस लोक में तुम मेरी माया को निष्फल नहीं कर सकते। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।